फ्रेंड्स, मजुमदार फार्म हिंदी इस चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम दिखाने वाले हैं कि हम जो मुर्गी छोड़ के पालते हैं उसका कैसे स्ट्रक्चर बना हुआ है। हम आप देख सकते हैं चारों बाजू नेट जो लगा हुआ है, ये पूरी नेट हमारा पूरा के पूरा आप देख सकते हैं चारों बाजू लगा हुआ है। इससे क्या होता है कि बाहर का कुछ भी चीज़ ऐसे अटक नहीं कर पाता इसको, और ये मुर्गी भी फटक से बाहर नहीं जाता है। तो इसका हाइट जो है अभी उतना हाइट किया हुआ नहीं है, क्योंकि हमारा मुर्गी अभी उतना भी बड़ा नहीं हुआ है, तो इससे हाइट भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये हाइट में ये देसी मुर्गी नहीं रहता है। तो क्या है कि अभी हम मुर्गी को छोड़ेंगे और देखेंगे कि कैसे यहाँ पे ये टहलता है, घूमता है और क्या करता है, ये देखेंगे। अभी आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा हमने चारों बाजू से घेरा हुआ है, एकदम चारों बाजू से घेरा हुआ है। आपको दिखाई ना दे मगर चारों बाजू से इसको घेरा हुआ है। थोड़ा सा देख लीजिए, शायद आपको समझ में आ गया होगा। चलो हम मुर्गी छोड़ेंगे अभी। फ्रेंड्स, तो अब हम यहाँ से ये मुर्गी को खुले में छोड़ेंगे और देखेंगे इसका रिएक्शन क्या है और कैसे ये रहता है। बहुत ही फ्री माइंड में रहता है खुला छोड़ने तक, तो हम वही दिखाएंगे। तो आप देख लीजिए, हमने ये दरवाजा खोला, तो हमारा पूरा मुर्गी अभी तो फिलहाल ज़्यादा नहीं है, मगर जो भी है तो क्या होता है कि काफ़ी मज़े में ये रहता है, क्योंकि खुले में इसको बहुत ही अच्छा लगता है। देसी मुर्गी है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा रहता है, इसीलिए हम इसको खुले में छोड़ते हैं। इससे खाने का कॉस्ट भी कम हो जाता है और हमारा जो जो उसका ग्रोथ है, प्रोटीन, बाहर का कीड़ा वीरा खाता है तो प्रोटीन भी मिलता है। तो यही कारण है इसको छोड़ने के, छोड़ के पालने का। देसी मुर्गी बहुत ही चंचल स्वभाव का है, इसलिए इसको छोड़ के पालना तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा छोड़ के पालने का तरीका और कैसे चाहिए, क्यों चाहिए छोड़ने का। तो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और हमारे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं ऐसे वीडियो लेके और भी टॉपिक्स पे, देसी मुर्गी पालन के ऊपर वीडियो लेके। थैंक यू दोस्तों।